हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बड़ा पाव से पकोड़े, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम अलग तरीके से बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम बेसन का घोल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे। 1/4 चम्मच नमक ले लिया है हमने। हल्दी पाउडर ले लिया है 1/4 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। भुने जीरे का पाउडर ले लिया है और चाट मसाला ले लिया है हमने 1/2 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 पिंच मीठा सोडा ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल बना लेंगे। तो फ्रेंड, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको अच्छे से फेंटते हुए हमें घोल बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हम और पानी डालेंगे। पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल बनाकर तैयार करते हैं। सेम वैसे ही बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरीके का हम बेसन का घोल बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इतना हमें बेसन का घोल हमें इतना गाढ़ा रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने बॉईल आलू ले लिए हैं। बॉईल आलू को हमने मैश कर लिया है। 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे हमने। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है। इसको हमने दरदरा कूट लिया था। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। यहाँ पर हमने भुने जीरे का पाउडर ले लिया है। नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। काली मिर्च पाउडर ले लिया है 1/4 चम्मच। तो फ्रेंड, आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने चाट मसाला ले लिया है। आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च ले ली हमने बारीक काट कर। हरा धनिया ले लेंगे बारीक काट कर। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की सहायता से हम सभी चीज़ों को आलू में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने आलू को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए, हम आलू के इस तरीके से गोल गोल पेड़े बना लेंगे। इसी तरीके से और बना लेंगे। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से एक बार ये पाव के पकोड़े बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये ब्रेड पकोड़े से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो देखिए फ्रेंड, अब हमने यहाँ पर पाव ले लिए हैं। इनको अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इनको हम पहले अलग कर लेंगे सभी को। तो चलिए, इसको कट कर लेंगे पहले हम। तो देखिए, इसको हम पहले इस तरीके से कट कर लेंगे। हम इसको पूरा कट नहीं करेंगे, 1/2 इंच के लगभग हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इस पे हम हरी चटनी लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ अच्छे से हरी चटनी लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड, हमने चटनी को लगा लिया है। अब हम आलू के जो हमने पेड़े बनाए थे उसको इस तरीके से इसमें रख लेंगे और उसको दबा देंगे। सेम इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने बेसन का घोल ले लिया है। अब इसमें हम डिप करेंगे और दूसरी साइड हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। तो पाव को हमने बेसन में अच्छे से डिप कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, और ऑयल एकदम अच्छे से गरम हो गया है। अब हम पाव को पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने चारों तरफ से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे हम और सेम इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी को फ्राई कर लिया है और तैयार है यहाँ पर पाव के पकोड़े। तो आप भी इस तरीके से ये बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।